राम राम दोस्तों, RRM मारवाड़ जुगाड़ यूट्यूब से आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, अभी समय है सुबह के 7:30 बजे और सूर्योदय होकर इतना ऊपर आ गया है और मैं सुबह सुबह आ गया था इन बकरियों के पीछे, क्योंकि कुत्ते बहुत होते हैं तो उनका ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए वो बकरियाँ जा रही है उधर, देख रही है आपको, उनके पीछे आना पड़ा क्योंकि इस साइड इन आग के पौधों की झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देख लीजिए आप, सारों और आग ही आग है और आग भी बहुत ज़्यादा है तो इधर उधर इसमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए इनके पीछे आना ज़रूरी था। तो आ गया मैं इधर और ये है यहाँ का आसपास का नज़ारा, ये ढाणियाँ हैं इधर धोरों में। तो अभी थोड़ी देर इनको सराऊंगा, फिर वापस लेके घर जाऊंगा और आगे क्या काम होता है वो व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। ये है ऊपर हमारे भाइयों का ही घर है इधर, और उधर सब इधर काफ़ी सारी ढाणियाँ हैं, लेकिन उधर धोरे वाले तरफ जाते हैं तो वहाँ ढाणियाँ नहीं हैं। चलिए मिलते हैं आगे ब्लॉग में और क्या काम होता है वो दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों, इन दिनों गांव में बहुत गर्मी हो गई है शुरू, और गर्मी से बचने के लिए किस प्रकार से जुगाड़ करते हैं, तो इस पर सीमेंट की सदरें दी हुई थी और ऊपर जो सीढ़िए होते हैं वो सीढ़िए लगा दिए और ऊपर लकड़ियाँ और लोहे के तारों से बांध के इसको मजबूत कर दिया है। तो ये ज़्यादा गर्मी की वजह से सीमेंट की सदरें तपेगी नहीं, और तपेगी नहीं तो गर्मी भी कम लगेगी और इसको मजबूत बनाएंगे। और अभी तक तो थोड़ा बहुत ही ऊपर बांध के नॉर्मल बांध के छोड़ा है, फिर इसको मजबूत बांधेंगे और पानी तो वैसे भी नहीं आएगा इसके अंदर क्योंकि सीमेंट की सदरें लगी हुई है, और सदरों के ऊपर ये सीढ़ियाँ डाल दिए तो इसमें बहुत ठंडी हवा आएगी। और इधर से ये कॉलम रह गया, इसको भी बंद करना है, ये देख लीजिए को अभी बंद करेंगे थोड़ी देर में। तो दोस्तों, अभी स्नान कर लिया है और यहाँ आके बैठ गया हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगा और फिर कोई आगे काम होगा मैं करूँगा और आपको निकलूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, अभी शाम का समय हो गया और बज गए सर, आज दिन भर टाइम नहीं मिला और वीडियो भी लेट आएगा थोड़ा बहुत। ये देख लीजिए, ये लेस हुआ पर इस प्रकार के फूल लगे हैं। आपको दिखाई दे रहे होगा शायद, इन पर अभी लेस हुआ यानी गुंदा लगेगा। तो इंतजार करते हैं कितने बड़े गुंदे लगते हैं, इस बार पहली बार लग रहे हैं, लगता है या नहीं लगता है वो भी देखेंगे। और सीटियाँ बहुत है, शायद इनको लगने भी नहीं देगी। और ये शीशम का पौधा है, इस पर भी इस प्रकार की ये फूल आए, क्या लगेगा पता नहीं, शीशम पर क्या लगता है मुझे भी मालूम नहीं, अगर आप किसी को जानकारी हो तो ज़रूर बता। और इधर ये बेर वाला पौधा बहुत अच्छी तरह से फुटान हुई है, ये देख लीजिए पूरा का पूरा भर गया है ये, सभी एकदम नई फुटान हो गई है पूरे पौधे में और सब बड़ी बड़ी टहनियाँ निकली है। तो अगली साल बेर भी अच्छे आएंगे, ये देख लीजिए। और इसके अंदर एक देसी बेर का पौधा था, वो मैंने निकाल दिया खोद के। और ये मेरा गुलाब, इस पर भी बहुत अच्छी फुटान हो रही है। और इसके पास में ये छोटा सा एप्पल बेर का पौधा था, उसको मैंने ऊपर से कटिंग किया तो इस पर भी ये नई नई फुटान शुरू हो गई, ये देख लीजिए। और बाकी इस पर तो हो ही रही है, गुलाब में पता नहीं कोई बीमारी है कि ये ज़्यादा बढ़ता नहीं है, या इस वक्त गर्मी है इसलिए नहीं बढ़ रहा है तो भी मालूम नहीं। बाकी फुटान हो रही थी, होते होते रुक गई है, अब कम हो रही थोड़ी बहुत, कुछ तो नई फुटान हुई है और कुछ अभी हो रही है।
चलिए दोस्तों, तो आज का व्लॉग अच्छा लगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल की सदस्य लेके घंटी का बटन अवश्य दबा देना, तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलेंगे एक और न्यू ब्लॉग के साथ। आप सभी को राम राम, नमस्कार, खमा गणी, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।